नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सत्तापक्ष भाजपा नेता की दबंगई के चलते कस्बा मूसानगर में अराजकता का माहौल। मूसानगर कस्बा निवासी भाजपा नेता विजय सोनी पर जमीन कब्जा करने का था आरोप। भाजपा नेता की दबंगई से कराए जा रहे निर्माण से आहत होकर पीड़ित ने पत्नी मासूम बच्चे समेत लगाई थी आग। सूचना पर कई थानों की फोर्स ने कस्बे में डाला डेरा। घटना की जानकारी होते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित पक्षों व कस्बे के लोगों के बीच पहुंचकर घटना की जानकारी देकर सरकार के खिलाफ बोला हल्ला और लगाए गंभीर आरोप। आइए सुनते हैं इस घटना के संबंध में समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र पाल मनु यादव ने सरकार के खिलाफ क्या कहा। सर, आपका नाम, आपका पद? नरेंद्र पाल सिंह, प्रभारी विधानसभा भोगनीपुर, समाजवादी पार्टी। सर, जिस तरीके से आज मूसानगर थाना क्षेत्र में एक भाजपा नेता के ऊपर एक आरोप लगाया जमीन कब्जा करने संबंध में, जिसमें एक पीड़ित पक्ष ने आगजनी का प्रयास किया है, जिसको आप कहाँ तक सही कहाँ तक गलत मानते, किसकी नाकामी मानेंगे कि ऐसी घटना हुई आज? प्रशासनिक नाकामी की वजह से ये घटना हुई। भाजपा नेता द्वारा लगभग 10 दिनों से लगातार, क्या नाम है सर भाजपा नेता का? विजय सोनी और उसके परिवार के समस्त सदस्यगणों द्वारा इस प्रश्नगत भूमि पर लगातार 10 दिन से कब्जा किया जा रहा है। उस जगह के मालिकों द्वारा लगातार डीएम को, एसडीएम को और भी प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देके कार्य निर्माण रोकने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। पैमाइश भी फर्जी तरीके से की गई और रात में भी काम किया और दिन में भी काम किया और काम नहीं रोका गया। तो क्या सर इसमें अधिकारियों की मिलीभगत मानी जाए? अधिकारी उसमें शामिल हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से भाजपा नेता बेशकीमती जमीन को पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से सूबे की योगी सरकार के दौरान कई भाजपा नेताओं पर लगातार जमीन कब्जा करने संबंध में आरोप देखने को लगातार मिल रहे हैं, तो आप सूबे से योगी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? आप योगी सरकार में ला एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। समस्त भाजपा के गुंडे इस समय इस तरीके के कब्जे पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। सर, इसमें अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस की छवि देखते हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो सब अस्पताल गए हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, संतोषजनक नहीं है। वो कुछ दो बच्चे, तीन बच्चे तो मरणासन्न स्थिति में है और वहाँ से अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं मिली है और वहाँ से कोई वापस भी नहीं आया। जैसे ही वापस आएंगे तो उनकी तरफ से प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। जिस तरीके से यहाँ भाजपा के नेताओं द्वारा यहाँ पर कब्जा या माहौल बिगाड़ने के जैसे कई कार्य किए गए हैं, तो इसमें समाजवादी पार्टी अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रही है? समाजवादी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। मैंने स्वयं और विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नसरुद्दीन जी दोनों लोगों ने एसडीएम और सीओ से व्यक्तिगत रूप से जाकर इस कार्य को निर्माण कार्य रोकने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था और उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम इस कार्य को रुकवा देंगे, परंतु उन्होंने कोई कार्य नहीं रोका और न पैमाइश विधिवत ढंग से की गई। तो इस समय इस घटना के दौरान कौन कौन अधिकारी मौके पर आया था? घटना बड़ी है, तमाम अधिकारी आए, जिले के भी अधिकारी आए और स्थानीय स्तर के भी। तो आप लोगों को किस तरीके से अधिकारियों से बातचीत हुई, क्या रास्ता निकला है? अधिकारी फौरी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक पीड़ित व्यक्ति द्वारा अभी तक प्रार्थना पत्र नहीं आ पाया है। जैसे ही आएगा उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम कार्रवाई करेंगे।